देखिए आज की ताज़ा खबर। सलमान खान की आने वाली मूवी ट्यूबलाइट का टीजर हो गया है रिलीज। मूवी का टीजर ही इतना मैजिकल था तो अब ट्रेलर का वेट करना तो जैसे नामुमकिन सा हो रहा है। ट्यूबलाइट का टीजर लोगों को इतना पसंद आया कि सिर्फ 2 ही घंटों में 100,000 लाइक्स क्रॉस हुए और अब इस टीजर ने 200,000 लाइक्स क्रॉस कर लिए हैं। ट्यूबलाइट के लिए लोगों का क्रेज तो आपने देख ही लिया होगा और वैसे भी भाईजान की फिल्म का लोगों को बेसब्री से इंतजार तो रहता ही है। 4 मई को हुआ रिलीज ट्यूबलाइट का टीजर इस समय टॉप ट्रेंडिंग पर है। टीजर में एक तरफ आप इंडो चाइना वॉर जैसा खतरनाक दृश्य देखेंगे और वहीं दूसरी तरफ आप सलमान खान की सुपर क्यूट लुक देख पाएंगे। टीजर को देखकर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में और साथ ही जुड़े रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। इंडिया में दंगल की रिकॉर्ड तोड़ बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस आपने देखी होगी, पर अब मिस्टर परफेक्शनिस्ट चल पड़े हैं चाइना में भी अपना जादू चलाने। 5 मई 2015 को आमिर स्टारर फिल्म दंगल चाइना में रिलीज होगी। इसके चलते देख सल्लू भाई भी कहां पीछे रहने वाले हैं। सलमान स्टारर फिल्म ट्यूबलाइट 25 जून 2017 को चाइना में रिलीज होगी। मूवी में मुख्य भूमिका निभा रही जूजू चाइना की लोकप्रिय स्टार हैं और सलमान खान के साथ उनका बॉलीवुड में डेब्यू है। एडिंग टू दिस, मूवी को चाइनीज लैंग्वेज में भी डब किया जाएगा। डायरेक्टर कबीर खान अपनी फिल्म की मार्केटिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब देखते हैं सल्लू भाई का जलवा कैसे चाइना में भी चलता है। अपने विचार हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में और ऐसे धमाकेदार खबरों के लिए जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ। महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार ट्यूबलाइट का टीजर हो ही गया रिलीज। ट्यूबलाइट फिल्म बेसिकली एक ह्यूमन ड्रामा है जो कि 1962 की इंडो चाइना वॉर पर बेस्ड है और सलमान के अलावा इस फिल्म के हाइलाइट्स हैं चाइनीज स्टार जूजू, सोहेल खान और लेट ओम पुरी। टीजर में ही हम देख सकते हैं कि कैसे वॉर की वजह से वहाँ के लोगों की जिंदगी खराब हो गई और कैसे सलमान के भाई सोहेल जंग के दौरान कहीं गायब हो जाते हैं। पर टीजर में बस यही नहीं दिखाया है, कबीर खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म के टीजर में कई ऐसे सरप्राइजेस हैं जिसको देखते ही इस फिल्म की तरफ रुझान और बढ़ जाता है, चाहे वो गांधी जी की अपीयरेंस हो या फिर शाहरुख खान की एक झलक। जी हाँ, आपने सही सुना, शाहरुख खान। टीजर को ध्यान से देखने पर पता चला कि एक शॉट में एक मैजिशियन की झलक है और अब ये कंफर्म हो गया है कि शाहरुख खान गोगो पाशा का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि एक मैजिशियन है। अब देखने वाली बात यही है कि क्या सलमान और शाहरुख का जादू चलेगा और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर पाएगी। अपने विचार हमें बताएं कमेंट्स में और ऐसी चटपटी मसालेदार न्यूज जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। जिस फिल्म का सबको बेसब्री से इंतजार था वो फाइनली आ गया है। जी हाँ, हम भाईजान की ट्यूबलाइट की बात कर रहे हैं। भाईजान के चाहने वालों के लिए कोई त्योहार से कम का मौका नहीं है। इस बात का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि हैश ट्यूबलाइट टीजर पूरा दिन ट्रेंडिंग पे रहा और इस टीजर से हम आपके लिए लाए हैं कुछ चुनिंदा लम्हे। सलमान के बाकी टीजर्स से जरा हटके, भाईजान को आपने आज तक दबंगई करते हुए देखा था, एक्शन उनका स्टाइल है, पर इस बार आप उनकी मासूमियत से भरे अवतार को देखकर खुद सम्मोहित हो जाएंगे। डायरेक्टर्स टच, कबीर खान के अद्भुत निर्देशन के साथ साथ वो अपनी फिल्मों के लिए लोकेशंस का ध्यान रखना भी बखूबी जानते हैं। उनकी मूवीज में आपकी आंखों को लुभाने वाली अद्भुत वादियां देखने को भी मिल सकती हैं। चाइना की खूबसूरती, इस फिल्म में सलमान के ऑपोजिट आप चाइना की अभिनेत्री जूजू को भी देख पाएंगे और यकीन मानिए इस जोड़ी को आप खूब पसंद करने वाले हैं। भाईचारा,
टीजर में सलमान और सोहेल के बीच जो आपको केमिस्ट्री देखने को मिलेगी उसे देखकर आप कह सकते हैं कि ये रियल वर्ल्ड एक्टिंग नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड भाईचारा है। शायद पर्दे के पीछे आप दोनों भाइयों को इसी अवतार में पाएंगे। सलमान के साथ एक सरप्राइज पैकेज। टीजर में ना तो सिर्फ आपको किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान की झलक मिलेगी बल्कि एक नन्हे कलाकार मार्टिन रे टांगू भी देखने को मिलेंगे और इस बार फिर से ये नन्हे कलाकार भी अपना जादू बिखेरने के लिए तैयार हैं। तो अब आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि टीजर देखने के बाद कौन सा एलिमेंट आपको बेहद पसंद आया। कबीर खान के निर्देशन में बनी फिल्म ट्यूबलाइट का टीजर हो चुका है रिलीज और दोस्तों टीजर रिलीज होते ही सब जगह बस ट्यूबलाइट के ही चर्चे हैं। कहीं सलमान की एक्टिंग को सराहा जा रहा है तो कहीं चर्चा है चाइनीज सुपरस्टार जूजू की, कहीं फिल्म की कहानी वाहवाही लूट रही है तो कहीं शाहरुख खान की एक झलक। ऐसे में गौर करने वाली एक और बात सामने आई है, टीजर के एक सीन में हमें ओम पुरी जी की भी एक झलक दिखाई दे रही है। ये टीजर वाकई में सरप्राइजेस से भरा हुआ है और दर्शक अब इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म के निर्माताओं के साथ साथ दर्शकों को भी बहुत उम्मीदें हैं इस फिल्म से। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या ये फिल्म सबकी उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी। आप अपने विचार हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहें बॉलीवुड स्पाई के साथ। एक साल का इंतजार हुआ खत्म। बाहुबली 2 फाइनली सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है, पर इस फिल्म के रिलीज के बाद से ही एक और अफवाह जो सभी का ध्यान खींच रही है वो है बाहुबली 3 की खबर। जी हाँ, बाहुबली का तीसरा पार्ट भी आ सकता है, पर क्या होगा बाहुबली 3 में? वेल, इस बात का खुलासा करते हुए एस डायरेक्टर एसएस राजमौली ने ट्वीट किया, बाहुबली 3 पर कई रूमर सुनाई दे रहे हैं। बाहुबली की कहानी पार्ट 2 के साथ ही खत्म हो जाएगी, इसे और खींचा नहीं जाएगा, पर बाहुबली वर्ल्ड दूसरी दिशा में विस्तार किया जाएगा जैसा ना ही कभी किसी ने सोचा है और ना ही एक्सपीरियंस किया है। समय के साथ ही ये गुत्थी सुलझाई जाएगी, किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें। सिर्फ मुझे पता है कि क्या आने वाला है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। इस साल सोनम कपूर और अक्षय कुमार को पहला नेशनल अवार्ड मिला, पर हम यहाँ इस बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ बात होगी उस फिल्म की जिसे अगले साल के राष्ट्रीय पुरस्कार का हकदार माना जा रहा है। वेल, इस साल के राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में जिस फिल्म की तारीफ करते लोग नहीं थक रहे थे वो है बाहुबली 2 द कंक्लूजन। वेल, एसएस राजमौली की ये मैग्नम ओपस इस अवार्ड सेरेमनी की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रही और ये होना लाजमी भी था। आखिर बाहुबली 2 ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से इतिहास जो रच डाला है। जिस तरह नेशनल अवार्ड सेरेमनी में बाहुबली 2 की चर्चा हो रही थी, इसे देखकर तो यही लगता है कि अगले साल के नेशनल अवार्ड पर सिर्फ और सिर्फ बाहुबली 2 द कंक्लूजन का ही हक है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। एसएस राजामौली की डायरेक्टोरियल बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। बॉलीवुड के बड़े से बड़े दिग्गजों ने भी इस अपार सफलता के बारे में नहीं सोचा होगा। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड के बड़े सितारों को इस सफलता की खबर नहीं थी, पर इस तरह की मूवी बनाना तो दूर, कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की गई। खान्स का दंगल। भले ही तीनों खान एक दूसरे की मूवीज को प्रमोट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, पर जब फ्राइडे को मूवी रिलीज होती है तो कंटेंट से ज्यादा स्टारडम को महत्व मिलता है। SRK को जहां मार्केटिंग गुरु कहा जाता है, वहीं सलमान को बाप ऑफ बॉक्स ऑफिस, और आमिर तो है ही मिस्टर परफेक्शनिस्ट, और शायद इनका स्टारडम ही बॉलीवुड में बाहुबली जैसी बड़ी मूवी को बनने से रोकता है। क्या आपने कभी प्रभास और राणा डग्गुबती के बारे में ऐसा कुछ सुना है?
पर्दे के बड़े सितारों को साथ ला पाना नामुमकिन है। एक बार को अगर प्रोड्यूसर्स ऐसी कोई मूवी बनाना भी चाहें तो फिल्मी सितारों के बीच मानो एक जंग सी छिड़ जाएगी, जैसे कि तीन खान, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और बाकी पर्दे के बड़े कलाकार। अब संजय लीला भंसाली को ही देख लो, आज तक अपनी किसी भी मूवी के लिए दो बड़े फिल्मी सितारों को साथ नहीं ला पाए हैं वो। बॉलीवुड की ओवर प्रमोटिंग करने की आदत। किसी भी मूवी को उठाकर देख लो, प्रमोशन के दौरान एक्टर्स आपको अलग अलग रियलिटी टीवी शोज पर दिख ही जाएंगे, पर बाहुबली 2 को इस तरह की किसी भी प्रमोशन की जरूरत नहीं थी। बाहुबली एक शुरुआत भी अपने आप में एक इंस्टेंट हिट थी। क्लैशेस। अब हाल में ही आपने काबिल और रईस के बीच में डेट्स का क्लैश देखा। कई बार फिल्म मेकर्स अपनी ईगो बचाने के लिए एक ही डेट पर अपनी फिल्म्स रिलीज करते हैं। इस केस में दोनों ही फिल्म्स कुछ खास बिजनेस नहीं दे पाती, पर शायद इसी नुकसान से बचने के लिए किसी भी बड़े कलाकार ने बाहुबली के आसपास अपनी फिल्म रिलीज नहीं करी। हो सकता है अब तक आपको पता चल गया हो कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, पर अब आप ये भी जानते हैं कि क्यों बाहुबली जैसी फिल्म अभी भी बॉलीवुड में बन नहीं सकती।